मुरादाबाद काशीराम नगर में पिछले दिनों से चल रही रामलीला मंचन में दिल्ली के कलाकारों द्वारा सुंदर मंचन किया गया। वहीं तेज बारिश के कारण रामलीला में भक्तों ने छाता लगाकर रामलीला का आनंद लिया। वहीं रामलीला मंच का उद्घाटन विपुल अग्रवाल ने किया। बता दें कि रामकला मंच के नेतृत्व में रामलीला मंचन हो रहा है। काशीराम नगर एफ ब्लॉक निकट कालीबाड़ी मंदिर के पीछे 80 फीट ऊंचा रावण का दहन किया जाएगा। वहीं रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि चारों दिशा में पुलिस और रामलीला कमेटी की टीम की निगाहें आने जाने वाले लोगों पर रहेंगी। मैं सभी काशीराम नगर वासियों को बताना चाहता हूं कि अपने काशीराम नगर में जो पिछले दिनों से रामलीला चल रही है दिल्ली के कलाकारों द्वारा, तेज बारिश में भी रामलीला मंचन हो रहा है। कल जो लंकापति रावण के पुतले का दहन होगा, अहंकार का दहन होगा, अहंकार का वध होगा, तो इसलिए कल ये दिन साल में एक बार आता है। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कल अपने परिवार सहित जरूर पहुँचे यहाँ पर। कल मौसम सही रहेगा क्योंकि हमने जो ये मुख्य यजमान सूर्यदेव भगवान को बनाया है, जहाँ सूर्यदेव भगवान खुद सौम्य प्रकट हो जाएंगे तो समझ लो मौसम अपने आप सही हो जाएगा। वही रामलीला की आरती में अजय दिवाकर, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सुमित शर्मा, महेश सैनी, हरीश ठाकुर, श्रीचंद रावत, संजय मलिक, मनोज चौहान आदि लोग मौजूद रहे।